राजस्थान के जयपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन 6 मार्च से शुरू हो चुका है। यह मेला 15 मार्च तक चलेगा। इस मेले में देश भर से लाखों भक्त पहुंचते हैं। खाटू श्याम जी को श्री कृष्ण ने वरदान में अपना नाम श्याम दिया था। बात करें तो कोरोना काल के चलते हुए काफी लंबे समय से यह मेला नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस साल यह मेला देखने को मिल रहा है। लक्खी मेले में पहुंचने के लिए देश भर से जयपुर पहुंचने के कई साधन आसानी से मिल जाते हैं। जयपुर आने के बाद यहां से खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए प्राइवेट कैब भी ली जा सकती है। जयपुर से कई बसें चलती हैं जो सीधे खाटू श्याम जी तक पहुंचा देती हैं, और आप आना चाहते हैं तो खाटू श्याम जी के धाम का करीबी रेलवे स्टेशन भी रिंगस है। रिंगस से खाटू श्याम जी करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। ये तो था इस मेले के बारे में, लेकिन इस मंदिर की क्या खास बात है? खाटू श्याम जी का नाम आखिरकार श्याम क्यों बना? आखिरकार इन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? जी हाँ, खाटू श्याम जी को क्यों हारे का सहारा कहा जाता है, इसका जवाब मैं आप सभी को अब देने वाला हूँ। खाटू श्याम जी की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। खाटू श्याम जी का मूल नाम बर्बरी है। बर्बरी पांडव पुत्र भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हो रहा था, उस समय बर्बरी को अपनी माता से महाभारत युद्ध के बारे में मालूम हुआ। बर्बरी ने भी युद्ध में जाने की बात कही तो उनकी माता ने कहा कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर होगा, जो हार रहा होगा, तुम उसकी ओर से युद्ध लड़ना। और हुआ भी ऐसा। माता की आज्ञा मिलने के बाद में बर्बरीक युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। बर्बरीक को तीन बाणधारी भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास तीन दिव्य बाण थे जो कि अभेद थे, यानी ये बाण अपना लक्ष्य भेद करके वापस बर्बरीक के तरकश में लौट आते थे। बर्बरीक इन तीनों बाणों की वजह से अजय योद्धा भी थे। जब वे महाभारत युद्ध भूमि की ओर जा रहे थे, उस समय उनकी भेंट भगवान श्री कृष्ण से हुई। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को बताया कि वे महाभारत में कमजोर पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे, हारे का सहारा भी बनेंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरव पक्ष की हार होगी, और अगर ऐसे में बर्बरी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडवों ये युद्ध जीत नहीं सकेंगे और धर्म की हार देखने को मिलेगी। पांडवों को और धर्म की जीत के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका कटा हुआ सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपना सिर देने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं शीश काट कर तो दे दूंगा, लेकिन मैं ये पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तब क्या हुआ? श्री कृष्ण भी इस बात के लिए तैयार हो गए। बर्बरीक ने अपना कटा हुआ सिर श्री कृष्ण को दान में कर दिया। श्री कृष्ण ने एक ऊंचे स्थान पर बर्बरीक का सिर रख दिया, जहां वे महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। बर्बरीक की दान वीरता से प्रसन्न होकर के श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना नाम श्याम वरदान के रूप में दिया और कहा कि कलयुग में तुम मेरे नाम से ही पूजे जाओगे, और खास तौर पर हारे हुए भक्तों की मनोकामनाएं तुम्हारी पूजा से ही पूरी हो सकती हैं। मान्यता है कि खाटू श्याम जी का धाम वही स्थान है जहां पर श्री कृष्ण ने बर्बरीक का कटा वासा रखा था, और इसी के चलते हुए यहां पर खाटू श्याम जी का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर की मान्यता के बारे में तो हमने आप सभी को बता ही दिया, साथ ही मेले के बारे में भी बताया जहां पर
श्रद्धालु दूर दूर से झूमते हुए गाते हुए नाचते हुए आते हैं। लंबी लंबी लाइनों में लग के श्री श्याम बाबा के दर्शन करते हैं और हारे का सहारा उनके पास में जा कर के अपना हारे का सहारा दूर करते हैं। वहीं बातचीत करें तो भगवान अपने भक्तों की बात को सुनकर के उन सभी की मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। इसीलिए आज हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहा जाता है।